आज के इस वीडियो हम देखेंगे कैसे अपने कंप्यूटर को हम ब्लूटूथ ईयरफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने ब्लूटूथ ईयरफोन को ऑन करना है। जैसे कि ये मेरा ब्लूटूथ ईयरफोन है, इसको मैं जैसे ही डिस्कनेक्ट करता हूँ, दोनों डीअटैच करता हूँ, ये ऑन हो जाती है। ठीक है, आपका थोड़ा पुराना मॉडल भी हो सकता है तो आपको यहाँ पे पावर बटन का ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे या फिर कहीं भी मैं कहीं एक पावर बटन का ऑप्शन होगा, उसको ऑन करने के बाद आपका ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसमें फंक्शन की ढूंढना है। ठीक है, एक जगह फंक्शन की होता है हर ब्लूटूथ ईयरफोन में, जैसे पेयरिंग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये फंक्शन की, अभी मैं इसे ये ब्लिंक कर रहा है, अभी मैं इसे पेयरिंग के ऑन करता हूँ तो अब ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आपको आना कंप्यूटर में जहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन होगा। ठीक है, आपको सीधा सबसे पहले आ जाना है सर्च बार में, यहाँ पे आपको आना, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ टाइप करना है। ठीक है, सबसे ऊपर आप जैसे कि देख सकते हो, थोड़ा मैं जूम कर दूँ, हाँ आपको साफ इसको ओपन करना। ठीक, मैंने इसे ओपन कर लिया। यहाँ पे ऐड ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस में आपको जाना है, क्या करना है, ब्लूटूथ है सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा मैंने ब्लूटूथ को पहले ऑन नहीं किया। ठीक है, यहाँ एक थोड़ी गलती हो गई, आपको पहले ब्लूटूथ अपने कंप्यूटर को ऑन करना है, क्योंकि बिना ऑन किए कैसे होगा। मैं इसमें गया, आप यहाँ देख सकते हो कि ओप्पो इनको M31 जो कि मेरा ब्लूटूथ है ये वाला, ये यहाँ शो करने लगा। आपको कुछ करना नहीं, आपको इस पर क्लिक करना है, ये कनेक्टिंग अपने आप ले लेगा और ये कनेक्ट हो गया। तो इस तरह आप अपने ब्लूटूथ ईयरफोन को अपने कंप्यूटर साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। देखते रहे मेरा चैनल यूनिक टेक, धन्यवाद।